नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखपुर के कोर्ट में चल रहे गंभीर आपराधिक मुकदमों की पैरवी करके पुलिस अपराधियों को सजा दिला रही है। जनवरी से लेकर नवंबर माह के अंत तक पुलिस ने विभिन्न अपराधों में शामिल 561 दोषियों को कोर्ट से सजा दिलाने में सफलता पाई है। इस संबंध में SSP डॉक्टर गौरव गुरवर ने बताया कि मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी की वजह से मुकदमों का तेजी से निस्तारण हो रहा है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2023 से लेकर नवंबर माह में विभिन्न अपराधों में शामिल कुल 561 अपराधी दंडित हुए हैं। मॉनिटरिंग सेल की ओर से मुकदमों की प्रभावी पैरवी की जा रही है। किस मुकदमे में क्या स्थिति है, कोर्ट में गवाही पूरी हुई या नहीं, वादी और गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने से लेकर अन्य तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें अधिक से अधिक अपराधी दंडित हो सकें। इस साल कुल 52 मुकदमों में 108 अपराधियों को आजीवन कारावास, 3 मुकदमों में 4 दोषियों को 20 साल, 45 मुकदमों में 71 को 10 साल की कैद, 27 मुकदमों में 40 अपराधियों को 7 साल और 241 मुकदमों में शामिल 338 अभियुक्तों को 7 साल से कम की सजा हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव गुरोवर ने कहा, देखिए ऑपरेशन कन्विक्शन जो कि मुख्यालय के और शासन के निर्देशों में चलाया जा रहा है, इसके तहत लगातार माननीय न्यायालय में पूर्व के अपराधों में पैरवी करके अपराधियों को सजा दिलाए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें मॉनिटरिंग सेल व अन्य सभी अधिकारी अपना योगदान दे रहे हैं। इसके तहत अभी वर्ष 2023 में कुल 368 मामलों में 561 व्यक्तियों को सजा दिलाई जा चुकी है, जिसमें कि 108 अपराधियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की भी सजा हुई है। इसके अलावा 20 साल से अधिक की सजा या 10 साल और बाकी अन्य अपराधों के तहत सजा दिलाए जाने का काम चल रहा है। आगे भी इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। जो पुराने मामले हैं जो काफ़ी समय से लंबित हैं, उनके जो गवाह हैं उनको बुलाया जा रहा है, पुलिस से संबंधित जो विटनेस हैं उनको बुलाया जा रहा है और लगातार माननीय न्यायालय में पैरवी करते हुए आगे भी ये अभियान इसी तरह से चल रहा है।